कविता कविता आजा अरे काजल तुम हाँ आजा मैं कॉलेज ही जा रही हूँ चल आजा साथ चलते हैं। काजल के बार बार कहने पर कविता उसकी कार में बैठ गई। उस महंगी कार को काजल का ड्राइवर चला रहा था और पीछे काजल और कविता बैठी थी अरे वाह यार काजल तेरी गाड़ी तो बहुत शानदार है हाँ मेरे पापा की है वो आज फैक्ट्री नहीं गए तो उन्होंने ड्राइवर भैया से कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ा है। सही है यार मैं तो इतनी महंगी कार में पहली बार बैठी हूँ अरेगे अब, तो अब तुम मेरी दोस्त बनोगी काजल और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे अभी चार पांच दिन पहले ही उन्होंने एडमिशन लिया था धीरे धीरे काजल और कविता बहुत अच्छी सहेलियां बन गई वैसे काजल बहुत ही अमीर घर से थी उसके पापा राजीव सिंह कई फैक्ट्रियों के मालिक थे जबकि कविता बहुत ही साधारण घर से थी उसके पिता एक छोटे किसान थे मगर फिर भी उन्होंने पाई पाई जोड़कर कविता का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया था काजल और अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड बिल्कुल नहीं था फिर एक दिन कविता जरा सुनना हाँ क्या हुआ बता देखना ये घड़ी कैसी लग रही है अरे वाह ये तो बहुत प्यारी है ये मैंने तेरे लिए ली है जरा पहनकर दिखा नहीं यार मैं कैसे इतनी महंगी घड़ी चुप कर और चुपचाप पहन ले और ज्यादा मत सोच जब तेरा मन करे तो मुझे भी दे देना कुछ पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है चल बहानेबाज अभी मत दे पर कभी तो दे देना <laughs> अच्छा ठीक है गुजरते वक्त के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बीतता था और फिर एक दिन कविता ये लड़का कौन है यार इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे कौन वो हैंडसम हम्म सच में बड़ा कूल दिखता है यार उनका नाम आकाश है और वो हमारे सीनियर है पगली तो क्या हुआ ओए जरा कंट्रोल में मैंने सुना है कि बड़ा ब्रह्मचारी टाइप लड़का है कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं पर वो वो किसी को घास नहीं डालता अच्छा तो तू देख अब इसकी तपस्या तो काजल नाम की ये अपसराई भंग करेगी हट भी शर्म कहीं की आकाश पर काजल का दिल आ गया था शुरू में उन दोनों में हाई हलू हुई और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार भी हो गया काजल को उसका प्यार मिला तो कविता बहुत खुश हुई लेकिन फिर एक दिन काजल फाइनल रिजल्ट आते ही मैं यूएस चला जाऊंगा। यूएस पर क्यों? वहाँ मेरी प्लेसमेंट हो गई है और जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है वो चाहती है कि मैं पहले यूएस में उनके हेडक्वार्टर में एक साल काम करूं और सीखूं और फिर वो मुझे इंडिया वापस भेजेंगे पर मैं एक साल कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना <laughs> कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है पगली अरे तू कब आई? जब तुम दोनों आशिकी फरमा रहे थे सुन जाने दे आकाश को वो वहाँ नहीं जाएंगे तो जॉब कैसे लेंगे क्यों? मैंने सही कहा ना बिल्कुल सही काजल बस एक साल दे दे मुझे फिर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा ठीक एक महीने बाद आकाश काजल से विदा लेकर विदेश चला गया काजल उसे याद करती और हसीन सपने बुनती लेकिन होनी को तो कुछ और ही मजदूर था अचानक काजल ने कॉलेज आना बंद कर दिया उसका फोन भी बंद आ रहा था कविता को उसकी चिंता होने लगी तो एक दिन वो काजल के घर ही पहुंच गई वहां उसका सामना काजल के पिता राजीव सिंह से हुआ कौन हो तुम और क्या चाहिए जी जी मैं वो वो काजल की दोस्त हूँ उसे कुछ नोट्स देने आई थी नोट्स उनकी कोई जरूरत नहीं है अब हो गई काजल की पढ़ाई पर अभी कैसे अभी तो लास्ट सेमेस्टर बाकी है ना अंकल कह दिया ना तो कह दिया चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो उदास होकर वहां से जाने लगी लेकिन घर के बाहर निकलते ही उसकी तरफ एक कागज की बॉल गिरी कविता ने उस कागज को खोलकर देखा तो लिखावट काजल की थी मुझे बचा ली कविता प्लीज कविता को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है लेकिन उस वक्त वो चुपचाप चाप वहाँ से चली गई फिर अगले दिन एक औरत घूंघट ओढ़ी और हाथ में झाड़ू लिए काजल के घर में दाखिल हुई किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका असल में घूंघट के अंदर कविता थी जो काजल के घर में काम करने वाली बाई बनकर आई थी घर में आते ही उसने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो काजल के कमरे तक पहुंची गई लेकिन कमरे का नजारा देख कविता हैरान रह गई काजल का मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे काजल ये ये सब क्या है किसने किया ये कविता तू आ गई भगवान का शुक्र है कविता मेरे पापा ने मेरा सौदा कर दिया है तू तो जानती है ना कि मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं पर मेरे पापा अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते हैं वो पचपन साल का बुढ़ा है उसने अपनी पहली पत्नी को मार दिया था और वो वो मुझे भी मार देगा है? पर तेरे पापा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ उन्होंने उस बुड्ढे से बहुत बड़ा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए और पैसों के बदले अब वो मुझे सौंपने वाले उस बुड्ढे को <laughs> इतना कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी लेकिन कविता तैयार थी अपनी सहेली को इस मुसीबत से निकालने के लिए उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और अपनी साड़ी उतारकर काजल को पहना दी और खुद काजल के कपड़े पहनकर उसकी जगह बैठ गई फिर कविता की जगह काजल आराम से घर से बाहर निकल गई फिर कुछ देर के बाद कौन है अरे कमिश्नर साहब आप यहां क्या हुआ क्या बात है मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है पर, पर तलाशी क्यों क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आपने यहां किसी लड़की को कैद करके रखा है इतना कहकर पुलिस कमिश्नर के साथ आए पुलिस वालों ने घर की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में कविता उनके साथ खड़ी थी उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे असल में राजीव को जैसे ही कविता और काजल के प्लान का पता चला तो उसने कविता को ही अपने गुस्से का शिकार बनाया और उसके साथ मारपीट की लेकिन अब वो अपना किया भुगतने वाला था पुलिस ने फौरन राजीव को गिरफ्तार कर लिया उधर आकाश को जैसे ही इन सब की खबर मिली तो वो भागा भागा यूएस से इंडिया आ गया और फिर कविता ने एक मंदिर में आकाश और काजल की शादी कराई थैंक यू कविता। अगर तुम ना होती तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होती मैं? मेरी सहेली को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी इतना कहकर कविता ने काजल को गले से लगा लिया और काजल बस यही सोच रही थी कि जो तोहफा कविता ने उसे दिया है क्या वो कभी उसकी बराबरी कर पाएगी प्रेरणा रुक जा बोल रही हूँ बहुत पीटेगी क्यों मैडम क्या हुआ अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा <laughs> कुछ ही देर बाद रसिका ने प्रेरणा को पकड़ लिया और फिर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी ये दोनों बड़ी पक्की सहेलियां थीं और दोनों का कॉलेज और कोर्स भी सेम ही था इसके अलावा स्वभाव से भी दोनों एक जैसी ही थी हालांकि इन सब चीजों के बावजूद दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था रसिका बहुत पैसे वाले घर से थी उसके पिता की शहर में कई फैक्ट्रियां थी जबकि प्रेरणा के पिता एक मामूली किसान थे पर पढ़ाई में बहुत अच्छी होने की वजह से प्रेरणा को स्कॉलरशिप मिल गई थी जिसकी मदद से वो भी रसिका के साथ इतने बढ़िया कॉलेज में पढ़ रही थी फिर एक दिन कॉलेज में क्या हुआ मैडम किस सोच में डूबी हैं? अरे तू आ गई पर इतनी लेट कहाँ बिजी थी अरे वो मैं बाबा के साथ खेत में काम करवा रही थी तो बस उसी में थोड़ा लेट हो गया अच्छा चल फिर कोई बात नहीं कुछ जरूरी बताना है तुझे हाँ तो बताना यार वो वो लोग कल घर आए थे कौन अरे वही लड़के वाले जिनके बारे में मैंने तुझे पिछले हफ्ते बताया था अरे वाह तो जल्दी बताना लड़का कौन है कैसा दिखता है क्या करता है डॉक्टर है वो दो भाई हैं दोनों ही डॉक्टर हैं अब बड़े भाई का रिश्ता आया है मेरे लिए हम्म तुझे कैसे लगे डॉक्टर साहब प्रेरणा की बात सुनकर रसिका मुस्कुरा दी और रसिका की इस मुस्कान को देख कर प्रेरणा फौरन समझ गयी की उसे आकाश पसंद है रसिका ने प्रेरणा को आकाश की फोटो दिखाई जिसे देख प्रेरणा ने कहा अरे वाह यार सच में जीजू तो बड़े स्मार्ट है और ये ये शायद इनके छोटे भाई होंगे है ना हाँ, विकास नाम है इनका बढ़िया है अब सच यार मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बस अपने ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना तो पागल है क्या तू तो कोई भूलने वाली चीज है क्या मेरी जान प्रेरणा और रसिका दोनों ही बहुत खुश थे सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन फिर एक दिन अचानक प्रेरणा के पिता के खेत के बगल ऐसी बह रही नहर में बाढ़ आ गई और सारा पानी खेत में आ गया कटने को तैयार खड़ी फसल पूरी की पूरी चौपट हो गई ये मंजर देखकर प्रेरणा के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई प्रेरणा के पिता के जाने का दुख उसकी माँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी कुछ ही हफ्तों बाद चल बसी प्रेरणा बिल्कुल अकेली रह गई थी अपना कहने को बस उसके पास उसकी दोस्त रसिका ही थी मत प्रेरणा मैं हूं न तेरे साथ खुद को कभी अकेला मत समझना ना सब खत्म हो गया बहन कुछ नहीं बचा मेरे पास ऐसा <laughs> मत बोल जो मेरा है वो तेरा भी है तू मेरी सहेली से बढ़कर बहन है चल, अब से तू मेरे मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। नहीं नहीं बहन, मैं तेरे परिवार पर बोझ नहीं बन सकती तू मेरी चिंता मत कर मैं कैसे भी रह लूंगी बस जब भी मुमकिन हो मुझसे मिलती रहना बहन रसिका जानती थी कि स्वभाव से खुददार प्रेरणा कभी उसके घर आकर नहीं रहेगी और ना ही उससे कोई मदद लेगी लेकिन उसे भी हर हाल में प्रेरणा की मदद करनी ही थी तो जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने इस बारे में अपने होने वाले पति आकाश से बात की वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक सलूशन है मेरे पास हाँ तो जल्दी बताओ ना तुमने बताया कि तुम्हारी सहेली बहुत खुददार है मतलब किसी का एहसान नहीं लेगी पर नौकरी तो कर सकती है ना क्या मतलब तुम्हारे पापा की इतनी सारी फैक्ट्रीज है तो उन्हें मैनेज करने के लिए मैनेजर्स तो चाहिए होते होंगे ना रसिका को आकाश ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया था अगले ही दिन रसिका ने प्रेरणा से इस बारे में बात की पहले तो प्रेरणा ने इनकार किया लेकिन रसिका के बार बार कहने पर वो मान गई। रसिका ने अपने पापा से इस बारे में बात की तो उन्हें भी प्रेरणा को अपनी एक फैक्ट्री का मैनेजर बनाने में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो भी प्रेरणा को काफी पहले से जानते थे और असल में वो भी प्रेरणा को अपनी बेटी जैसा ही समझते थे तो इस तरह प्रेरणा अब रसिका के पापा की फैक्ट्री में मैनेजर बन गई कुछ ही दिनों बाद कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया और प्रेरणा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया इसके साथ ही प्रेरणा अपनी नौकरी भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रही थी कुछ ही समय में वो फैक्ट्री का सारा काम बहुत अच्छे से संभालने लगी अपनी शादी की तैयारियों का हवाला देकर रसिका ने किसी तरह प्रेरणा को उसके साथ उसी के घर में रहने के लिए भी मना लिया फिर एक दिन अरे रसिका हाँ जी पापा बेटा ये प्रेरणा तो सच में बहुत होशियार है पता है जिस फैक्ट्री में पिछले एक साल से मुझे कुछ नहीं बच रहा था प्रेरणा के आते ही न सिर्फ ऑर्डर बढ़े हैं बल्कि वो फैक्ट्री तो मुनाफे में भी आ गई है हाँ तो ऐसे थोड़ी ना मैंने आपको उसे जॉब पर रखने को बोला था वो सच में बहुत अच्छी है हाँ बेटा सच में बड़ी प्यारी बच्ची है जितनी समझदार और मेहनती है उतनी ही संस्कारी भी है लेकिन किस्मत ने बड़ा बुरा खेल खेला है बेचारी के साथ सच में अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं प्रेरणा को अपने घर की बहू बना लेता अपने पिता की इस बात पर रसिका मुस्कुरा दी लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह भी एहसास था कि वाकई उसकी शादी हो जाने के बाद प्रेरणा बहुत अकेली पड़ जाएगी और भविष्य में उसकी शादी भी किससे और कैसे होगी ये भी एक बड़ा सवाल था फिर एक दिन वो प्रेरणा की बच्ची हाँ बोलना तू मैनेजर क्या बन गई बड़े नखरे हो गए तेरे मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है तेरे पास मेरी शादी आ रही है और तू है कि बस फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री में उलझी रहती है मेरा लहंगा पार्लर और ज्वेलरी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ अब तक अच्छा बाबा मैं अंकल से बात करके छुट्टी ले लेती हूँ और आज के आज सब फाइनल कर देते हैं अब तो ठीक है ना पापा से मैंने बात कर ली है तेरी छुट्टी अप्रूव्ड है चल अब जल्दी से मेरे साथ चल ऐसे ही रसिका की शादी का दिन भी आ गया गहनों से लदी रसिका दुल्हन के रूप में बहुत ही सुन्दर लगी थी रसिका के पापा ने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफी खर्च किया था शादी की तैयारियाँ पूरी थी और दूसरी तरफ जग्गा डाकू भी तैयार था जग्गा डाकू और उसकी गैंग के नाम से ही सब डरते थे सारे लोग है चल चुपचाप से हाथ ऊपर करे कोई होशियारी ने ए बगीरा जाबे तुलन के सारे गहने लिया जग्गा और उसके आदमी बंदूक लेकर खड़े थे बंदूक के खौफ से हर कोई सन्न था जग्गा के साथियों ने रसिका से उसके गहने छीनने की कोशिश की लेकिन रसिका उन्हें धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगी तभी जग्गा ने बंदूक रसिका की तरफ तानी और गुस्से से बोला ए लड़की रुक जा वरना गोली मार दूंगा समझी जग्गा ने सिर्फ कोरी धमकी नहीं दी गहने हाथ से निकलते देख जग्गा ने रसिका को निशाना बनाकर गोली चला भी दी थी लेकिन तभी एन मौके पर प्रेरणा गोली और रसिका के बीच आ गई गोली लगते ही प्रेरणा जमीन पर गिर पड़ी लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही जग्गा डाकू और उसकी गैंग वहाँ से भाग खड़ी हुई रसिका तो बच गई लेकिन अब प्रेरणा की हालत नाजुक थी उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और काफी देर बाद जाकर उसे होश आया ये तूने क्या किया पगली तू ठीक है न रसिका मैं तो ठीक हूँ पर तू बीच में क्यों आई तू मेरी बहन है रसिका मैं तुझे कुछ कैसे होने देती उसके बाद रसिका का पति आकाश वहाँ आया क्यों साली साहिबा कैसी हैं अब आप कोई दिक्कत तो नहीं जी डॉक्टर साहब सब ठीक है थैंक्स मेरा इलाज करने के लिए थैंक्स बोलना है तो मुझे नहीं इसे बोलिए क्योंकि आपका ट्रीटमेंट मैंने नहीं इसने किया है इतना बोलकर आकाश ने अपने छोटे भाई विकास की तरफ इशारा कर दिया जो वहीं पर खड़ा था और प्रेरणा को बस देखे जा रहा था प्रेरणा भी विकास से कुछ न कह सकी और बस उसे देखती रह गई। लेकिन इन दोनों के बीच की एक खामोशी रसिका ने पढ़ ली और फिर कुछ दिनों के बाद अरे रसिका ये सब क्या है इतना सारा सामान ये किसके लिए लाई है अपनी होने वाली देवरानी के लिए अच्छा तो विकास जी का रिश्ता तय हो गया अच्छी बात है क, क, कौन है लड़की यही है आजा तुझे फोटो दिखाती हो इतना कहकर रसिका ने प्रेरणा की फोटो उसके हाथ में थमा दी जिसे देख कर प्रेरणा की आंखों ऐसी नहीं रसिका ये सही नहीं है न तो मैं विकास जी के लायक हूँ और न ही मेरी हैसियत ऐसा तुझे लगता है विकास भैया और हमारे परिवार को नहीं सच मान प्रेरणा ये शादी तुझ पर कोई एहसान नहीं है बल्कि ये तेरा हक है जो तुझे मिलना ही चाहिए हाँ पर मेरी एक शर्त है शादी के बाद मैं तेरी जेठानी हो जाऊंगी तो थोड़ा जी अदब से बात करना मुझसे समझी रसिका की बात सुनकर प्रेरणा मुस्कुरा दी अब सब ठीक होने वाला था दोनों सहेलियों से बहन बनने के बाद अब जेठानी देवरानी बनकर हमेशा एक दूसरे के साथ और खुश रहने वाले